वेलकम एवरीवन। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, गोयान ने किन को अगवा करवा लिया था और यहाँ पर गोयान का प्लान जिया और किन दोनों को ही जान से मारने का था, लेकिन किन को इसके बारे में पता लग जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में पहले तो उन दोनों किडनैपर्स को मारता है और उसके बाद जंगल में गोयान को ही मार देता है। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम सीहोंग को देखते हैं जो कि उसी फॉरेस्ट से गुजर रही थी, तभी उसकी नज़र किन पर पड़ जाती है और किन की हालत को देख और सामने गोयान की लाश को देख वो समझ जाती है कि यहाँ पर क्या हुआ है और वो वहाँ से चुपचाप किन को लेकर सुमेंशन छोड़ आती है। जिसके बाद हम अब सीधे सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ यह खबर फैल चुकी थी कि कल रात गोयान को किसी ने बेहद बुरी तरह से मार डाला है। जिसके साथ हम कमिश्नर चेंगफेंग को देखते हैं जो कि गोयान की डेड बॉडी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। और अब हम किन को देखते हैं जिसको धीरे धीरे होश आने लगा था और किन को होश में आता हुआ देख जल्दी से जिया उसके पास आती है और उससे इतना ज्यादा इंजर्ड होने की वजह पूछती है, लेकिन किन उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और उसे आई मिस यू कहते हुए गले लगा लेता है। जिसके साथ समय बीतता है और समय के साथ किन भी रिकवर हो जाता है और दो हफ्तों में रिकवर होने के बाद वो अपनी मास्टर सीहोंग से मिलने के लिए जाता है और साथ ही उसके लिए उसके फेवरेट फ्रूट भी ले जाता है और उन फ्रूट्स को देख सीहोंग काफी खुश हो जाती है और वो किन से कहती है, आखिर तुम्हें आज मेरी याद क्यों आ गई। जिस पर किन कहता है, आखिर मैं यहाँ पर क्यों नहीं आता, तुमने मेरी जान जो बचाई है। जिस पर सीहोंग कहती है, मैं तो बस वहाँ से गुजर रही थी, तभी मेरी नजर तुम पर पड़ गई, इसलिए तुम्हारी जान बच गई। और सीहोंग किन से मर्डर वाली रात के बारे में पूछती है तो किन भी उस रात जो हुआ वो सब सीहोंग को बता देता है। जिसके बाद सीन कमिश्नर के ऑफिस में शिफ्ट होता है जहां पर जिया को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था और वो कमिश्नर जिया से कहता है, हमें शक है कि तुम्हारे हस्बैंड किन ने गोयान का कत्ल किया है, क्योंकि जिस दिन गोयान का कत्ल हुआ था उस दिन वो काफी ज्यादा इंजर्ड पाया गया था, जैसे कि किसी की उसके साथ फाइट हुई हो, और यह सब हमें किसी और ने नहीं बल्कि उसी डॉक्टर ने बताया है जिसने आधी रात को मिस्टर किन का इलाज किया था। और इसी के साथ सीन चेंज होकर वापस से सीहोंग पर शिफ्ट होता है जो किन से कहती है, वैसे क्या तुम्हें पता है कि जिया को कमिश्नर ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया है। जो सुन किन काफी टेंशन में आ जाता है और वो जल्दी से जिया के पास जाने लगता है तो सीहोंग उसे रोकते हुए कहती है, तुम अपनी वाइफ को इतना भी कम मत आंको, वो तुमसे ज्यादा किसी भी मामले को सॉल्व करने में एक्सपर्ट है। और मुझे पता है कि उस कमिश्नर ने जिया को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं बल्कि पैसे लेने के लिए बुलाया होगा, और होता भी ऐसा ही है क्योंकि हम देखते हैं कमिश्नर चेंगफेंग जैसे जैसे जिया को गोयान के मर्डर केस के बारे में बता रहा था उसी के साथ वो अपना मनी साइन भी दिखा रहा था, जिसका मतलब जिया भी समझ जाती है और वो कमिश्नर को एक गोल्डन स्टिक देते हुए कहती है, मुझे पता है कि मेरा हस्बैंड बेकसूर है, लेकिन मैं फिर भी इस केस को बंद करवाना चाहती हूँ। और जिया की इस बात को सुनने के बाद वो कमिश्नर भी तैयार हो जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होकर वापस से सीहोंग पर शिफ्ट होता है और वो किन से कहती है, वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती थी, गोयान का मर्डर तुमने नहीं बल्कि किसी और ने किया है। जो सुन पहले तो किन को यकीन ही नहीं होता, तो सीहोंग उसे बताती है कि जब तुम मुझे मिले थे तो गोयान की बॉडी तुमसे 100 कदम दूर पड़ी हुई थी और एक क्रॉसबो का एरो कभी भी 100 कदम से दूर नहीं जाता। इसका मतलब गोयान का कत्ल तुमने नहीं बल्कि किसी और किया है। और हम देखते हैं कि सेम यही बात कमिश्नर भी जिया को बता रहा था और यह बात पता लगने के बाद जिया उस ऑफिस से निकल जाती है और वहीं दूसरी ओर किन भी असली किलर का पता लगाने के लिए सीहोंग की हेल्प मांगता है, तो सीहोंग किन को एक होटल का पता देती है जहां पर उसे जनरल होंग मिलेगा और वह कहती है, जनरल होंग एक ऐसा बंदा है जो तुम्हारी इस केस में मदद कर सकता है, लेकिन वह एक नंबर का लालची है, अगर उसे पैसे ना दो तो वह कोई भी काम नहीं करता। जो सुनने के बाद अब किन सीधे उस होटल के लिए निकल जाता है और हम देखते हैं कि जिया भी पूरी रास्ते किन का पीछा कर रही थी, तभी किन को याद आता है कि जिया ने बाजार से उसे मसाले लाने के लिए कहा था, इसलिए वो एक शॉप से मसाले खरीद जल्दी से वहां से उस होटल की ओर निकल जाता है। और किन को उस होटल की ओर जाते हुए देख जिया गुस्से में कहती है, अच्छा आज पता चला जे किन का बच्चा दिन भर क्या करता है। जिसके बाद सीन चेंज होकर किन पर शिफ्ट होता है जो कि उस होटल में पहुंच चुका था और उस होटल की कंडीशन को देख हम समझ जाते हैं कि यहां पर किस तरीके का काम होता है। और उस होटल में एंटर होने के बाद किन कहता है, हे भगवान जे कहां पहुंचा दिया तूने, अगर मुझे यहां पर किसी ने पहचान लिया तो मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा। और यही सोचकर वो वहां से लौटने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर वुहान पर पड़ जाती है जो देख किन छिपते छिपाते उसके पीछे जाने लगता है। जिसके बाद हम वुहान को देखते हैं जो कि उस होटल में किसी और से नहीं बल्कि कैप्टन होंग से ही मिलने के लिए आया था और साथ ही उसके लिए एक गोल्ड से भरा हुआ बॉक्स भी लाया था। और उस गोल्ड बॉक्स को देख जनरल होंग कहता है,
बोहान, तुम्हें आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी जो तुम खुद यहाँ पर ये गोल्ड बॉक्स लेकर आ गए। जिस पर वोहान कहता है, जर्नल, जैसा कि तुम्हें पता ही होगा, आज से 15 दिन पहले किसी ने गोयान को मार दिया है। जिस पर जर्नल होंग कहता है, हाँ सुना तो है, लेकिन मुझे उसके किलर के बारे में कुछ भी पता नहीं। और हम देखते हैं कि किन इन दोनों की बातें चुपके से रिकॉर्ड कर रहा था। और जर्नल होंग की बात सुन किन कहता है, मैं तो यहाँ पर बेकार में ही आ गया, जर्नल होंग को तो गोयान के किलर के बारे में कुछ भी पता नहीं। और अब हम जर्नल होंग और वोहान को देखते हैं जो कि गोयान के मर्डर केस को छोड़ अपने किसी सीक्रेट प्लान के बारे में बातें करने लगते हैं। और साथ ही उनका प्लान सू फैमिली के बिजनेस को पूरी तरह से बंद करना भी था। और वहीं दूसरी ओर जब किन यह सब सुनता है तो उसको काफी गुस्सा आता है। और तभी वहाँ पर एक मैट पहुँच जाती है और किन को इस तरह बातें सुनता हुआ देख वो सीधे उसे कमरे में ले जाती है और उन सभी को बताती है कि ये लड़का कमरे के बाहर आप लोगों की बातें सुन रहा था। और किन को देख वोहान तुरंत ही उसे पहचान लेता है और सबको बताता है कि यह तो किन है। जो सुन अब सभी लोग किन के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन हमारा किन वहाँ पर एक स्मोक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और कमरे की खिड़की तोड़ वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब उसके पीछे उस होटल की सारी मेड पड़ जाती हैं, जो देख किन वहाँ से एक कपड़े की हेल्प से फ्लाई करते हुए एग्जिट गेट की ओर जाने लगता है। लेकिन इसी बीच एक मेड उस पर नाइफ से हमला कर देती है, जिससे किन बाल बाल बचता है और एक परफेक्ट लैंडिंग के साथ एग्जिट गेट पर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसका स्वागत जिया एक और नाइफ के साथ करती है, जिसे देख किन माथा पकड़ते हुए कहता है, हे भगवान। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।